हेलो फ्रेंड्स, पुष्पा इम्पॉसिबल में पिछले कई एपिसोड से हम लोग लगातार देख रहे हैं कि कहीं ना कहीं जुगल और पुष्पा अपने ताना वाना को आगे बढ़ाने के लिए, पटोले के मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं, खून पसीने बहा रहे हैं। लेकिन वीरेंद्र सेतलवार जो है हर जगह अपनी चाल चल लेता है और उन्हें 4 कदम आगे बढ़ने की जगह 10 कदम पीछे खींच देता है और उसकी ज्यादती जो है वो बढ़ती ही जा रही है। वो पटोले के मार्केट में इन्हें आने नहीं देना चाहता है और अब जबकि कल के एपिसोड में दिखाया गया है कि इन्हें अच्छा खासा ऑर्डर मिल रहा है, ऐसा कि साउथ अफ्रीका तक से इन्हें ऑर्डर आ चुका है, तो वहाँ पे वीरेंद्र जो है एक और चाल चलता है। और वो चाल क्या है आप इस सीरियल के प्रोमो में देखिए। आप इस प्रोमो को देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि वीरेंद्र सेतलवार को बहुत बड़ा डर लगा हुआ है पुष्पा और जुगल से कि कहीं वो पटोले के मार्केट से आउट ना हो जाए। सबके घर पे छापा मारा। एक ना एक दिन तो ये होना ही था मास्टर जी। मास्टर जी, अगर वीरेंद्र आज रात की में हमारा माल भी आज ही वहाँ पर पहुँच रहा है। पहुँचने वाला नहीं, जुगल पहुँच गया है। पुष्पा पटेल, तुम साउथ अमेरिका के सपने देखो, मैं तुम्हारे घर को अपना कारखाना बनाऊंगा। देखते हैं इसका सपना पहले साकार होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा इस प्रोमो में कि अब वीरेंद्र सेतलवार किस हद तक गिर चुका है। अब वो पुष्पा के ही घर को बर्बाद करना चाहता है। तो फ्रेंड्स, आगे के एपिसोड में ये सारा कुछ दिखाया जाएगा कि वीरेंद्र अब क्या चाल चलने वाला है और जुगल और पुष्पा उसकी हर चाल पे कौन सी मात देने वाले हैं। तो इस सीरियल में बने रहिए, इस सीरियल को देखते रहिए और साथ ही जुड़े रहिए हमारे साथ भी इस चैनल के माध्यम से। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आऊंगी किसी नए प्रोमो के साथ, किसी नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स।